अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके साथ तवा मटन फ्राई की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। ये रेसिपी बहुत डिफरेंट तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छी और सिंपल है, तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। 250 ग्राम मटन हमने धोकर रख लिया है। पहले हम मटन को अच्छी तरह से गला लेंगे। कुकर में मटन डालने के बाद हम उसमें आधा ग्लास पानी डालेंगे और एक चम्मच नमक डाल के लीड लगा लेंगे और 5-6 सीटियाँ लगा लेंगे। गोश्त गला के उसका पानी सुखा के हम इसे मैरिनेट करेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन डालेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर भी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें मिलाने के बाद हम इसे तवे पर फ्राई करेंगे। तवे पर फ्राई करने के लिए 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें मैरिनेशन डालेंगे। तवे पर डालने के बाद हम इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हमारा गोश्त वैसे भी गला हुआ है, इसलिए हमें उसे ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है। फिर भी इसे तेज़ आंच पर हम अच्छी तरह से अलट पलट करेंगे। हमने कबाब छीनी, ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर बना लिया था, इस वक्त हम वो पाउडर इस पर डालेंगे। हमारा मटन फ्राई बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। हमने जो तवे पर इन्ग्रीडियंट्स डाली है मसाले की, वो सिर्फ 1/2 टीस्पून ही डालिए। माशाल्लाह, हमारा तवा मटन फ्राई बहुत ही मज़ेदार बना है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।